किसानों के इस आंदोलन को खामखा बदनाम किया जा रहा है, तरह तरह के गलत बयानबाजी की जा रही है, और जिसकी वजह से किसानों के मन में ये रोष आक्रोश बढ़ रहा है। किसानों के तोड़े गए वाहन और उन पर की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए किसानों को ना छोड़ा तो आने वाले दिनों में संयुक्त मोर्चा ऐसे आराम से नहीं बैठेगा, और पूरे देश में ऐसी कोई ना कोई काल दी जा सकती है जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल भी खराब हो सकता है। अगर ये चाहे कि ऐसे वैसे उल्टे सीधे बयान भी देते रहें, किसानों को सरहदों पर बैठे किसानों को अनदेखी भी करते रहें और किसान इन्हें आराम से सब कुछ करने का अनुमति दें, मेरा ख्याल है ये संभव नहीं हो पाएगा। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे सबक लेना चाहिए। दमनकारी नीतियां नहीं अपनानी चाहिए सरकार को। हरियाणा सरकार ने किसानों पे अत्याचार किया, उन पे लाठीचार्ज किया, अथरू गोले छोड़े गए हैं, वहाँ पे बहुत भारी संख्या में किसान जख्मी हुए हैं और किसानों के वाहन मशीनरी तोड़ी गई है। और इस मामले को संयुक्त किसान मोर्चा ये एक दमनकारी नीति मानता हुआ इसकी कड़े शब्दों से निंदा करता है, और ये चेतावनी देंगे हम हरियाणा सरकार को कि अपनी ऐसी दमनकारी नीति से हरियाणा सरकार पीछे हटे। किसानों का आंदोलन अभी केंद्र की सरकार के खिलाफ है, ये आंदोलन जब किसान अपनी सरहदों पर बैठे लड़ रहे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा किसानों के इस आंदोलन को खामखा बदनाम किया जा रहा है, तरह तरह के गलत बयानबाजी की जा रही है, और जिसकी वजह से किसानों के मन में ये रोष आक्रोश बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर ये चाहे कि ऐसे वैसे उल्टे सीधे बयान भी देते रहें, किसानों को सरहदों पर बैठे किसानों को अनदेखी भी करते रहें और किसान इन्हें आराम से सब कुछ करने का अनुमति दें, मेरा ख्याल है ये संभव नहीं हो पाएगा। किसानों के मन में रोष है, गुस्सा है, वो अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए, अपना इनका विरोध करने के लिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधानिक राइट है, उसके लिए किसान जाते हैं, निकलते हैं बाहर घरों से। तो सरकार को ये मानना चाहिए कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे सबक लेना चाहिए। दमनकारी नीतियां नहीं अपनानी चाहिए सरकार को। अगर सरकार को जैसे भाई साहब ने ये बात बताई है कि कल, आज तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सभी रोड ब्लॉक किए जाएंगे, कल सुबह 11 बजे से सभी थानों का घेराव किया जाएगा, और आज साथ साथ में आईजी साहब के ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। ये किसानों का रोष है, किसानों का आक्रोश है, इसको मानते हुए समझते हुए ये संयुक्त किसान मोर्चा अपने किसानों के साथ खड़ा है। अगर सरकार ने किसानों के तोड़े गए वाहन और उन पर की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किए गए किसानों को ना छोड़ा तो आने वाले दिनों में संयुक्त मोर्चा ऐसे आराम से नहीं बैठेगा, और पूरे देश में ऐसी कोई ना कोई काल दी जा सकती है जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल भी खराब हो सकता है, जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, और हम यहाँ पर बैठे किसानों का कोई उसमें दोष नहीं होगा, और पूरे का पूरा दोष हरियाणा सरकार पर होगा। वो हरियाणा सरकार को अपने आप पर कंट्रोल करने की लोड़ है। जय जवान जय किसान। जो भी अज हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा सरकार ने चीफ मिनिस्टर आए सी और किसानों ने विरोध किया, विरोध दर्ज करने वास्ते शांतिपूर्ण तरीके नाल गए सी, और सरकार ने जो उन्हां ते अत्याचार किया वो बहुत घिनौनी हरकत है, बिल्कुल गलत है। 100-150 के करीब साडा किसान फटर हो गया और इन्ने ही 150 के करीब गिरफ्तार किए आ, ते ये सरकार कित इस तरह का काम कर रही है जिस तरह महम कांड, कंडेला कांड, यहोजे कांड दोबारा दोहराने की फिरत च है। ये सरकार नू अपने आप दे विच समझ लेना चाहिए। किसान आक्रोश है और 5 तो 7 बजे तक किसानों ने नैशनल हाईवे जाम कर रहे हैं, और कल हर थाना, हर जिले के थाना, सिटी थाना, सदर थाना, पुलिस लाइन तक सब किसान जड़े आ सारे हरियाणे के उन्होंने अगे धरना देंगे, उसका घराव करेंगे, और हरियाणा सरकार नू
जजपा भारतीय जनता पार्टी ये संयुक्त मोर्चे वालों ये मैसेज दिता जाता है भई ये बाज आ जाए किसानां नाल धक्का ना करे, किसान परेशान है दुखी है, 6 महीनों तो बार्डर ते बैठे हुए ने, सरकार ने अज तक कोई गल नहीं सुनी भारत सरकार ने, ते जे किसान किसे गल तो दुखी है विरोध करता है आपदे काले झंडे लैके शांतिपूर्ण तरीके नाल सरकार नूं बर्दाश्त करना चाहिए। मैं हुण वरिंदर जी हुड्डा हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों, आज जो हिसार के अंदर मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन जो किसानों ने किया लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन ये सरकार बहुत ही जालिम सरकार है, निहत्थे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया जिसमें 150 किसानों को चोटें आई हैं और बहुत सारे वाहनों को तोड़ दिया गया किसानों के वाहनों को, ये निकम्मी सरकार तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे और हम शंघु बॉर्डर से संयुक्त मोर्चे की मीटिंग से ऐलान करते हैं कि आज 5 से 7 बजे तक पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी सड़कों को जाम किया जाए और कल 11 से और 5 बजे तक पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी थानों का घेराव किया जाए लोकतांत्रिक तरीके से। आज इस सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा है, ये सरकार पूंजीपति लोगों के हाथों में खेल रही है। अरे 6 महीने हो गए हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए, अरे बातचीत नहीं कर रही है सरकार, हमारी मांगों को के ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा। इस सरकार को हम लोकतांत्रिक तरीके से हराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। सभी किसान भाइयों एकजुट होकर के लोकतांत्रिक तरीके से तुरंत प्रभाव से विरोध करें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध में किसान एकत्रित हुए थे, हरियाणा पुलिस ने निहत्थे किसानों पे लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे हैं जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों को गंभीर चोटें आई हैं। हरियाणा पुलिस ने किसानों के जो वाहन थे उनको क्षतिग्रस्त किया, संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए वो किसान वहाँ गए थे। किसानों की नाराज़गी है क्योंकि पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए किसान हिसार में एकत्रित हुए थे आज मुख्यमंत्री के दौरे के समय पे। बजाय वो मुख्यमंत्री उनके प्रतिनिधिमंडल को बुला के उनकी बात को सुनता, उसने अपनी फोर्स को आदेश दे के उन किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले और दूसरे दमनकारी जो नीतियाँ वो अपनाई हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और संयुक्त मोर्चे ने ये आज निर्णय लिया कि आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक तमाम रास्ते जो हैं वो बंद रखे जाएंगे, किसी भी वाहन की आवाजाही की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कल 11 बजे से हर थाने का घेराव किया जाएगा। पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो है वो थानों का घेराव करेंगे और सरकार जो है हम मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार को भंग किया जाए। हरियाणा सरकार जो है वो इस लायक नहीं है, जब लोग नहीं चाहते, लोगों में आक्रोश है, लोग जो है उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है, तो ज़बरदस्ती इस तरह की सरकार को लोगों के ऊपर थोपा ना जाए और अन्यथा एक बड़ा जो आंदोलन है उसकी एक रूपरेखा तैयार करके भविष्य में इससे और बड़े आंदोलन के साथ हम जो है किसान अपना मोर्चा लगा के इस सरकार का विरोध करेंगे। T5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।